This is 2021 and still now I'm going to make review of a 2020 smartphone. पुराना हो चुका है पर यह स्मार्टफोन काफी अच्छा है. IQ3 वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन एवर आई हैव सीन. तो यह स्मार्टफोन मुझे ऑफर में मिला और ऑफर में जब मुझे मिला मुझे लगा यह बीस्ट स्मार्टफोन मॉन्स्टर किलर स्मार्टफोन काफी बेहतर होने वाला है. जो प्राइस में मुझे मिला 24,000 में, क्या आपको अभी भी ऑफर अगर मिलता है तो खरीदना चाहिए? चलिए एक छोटा सा रिव्यू और मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन इसके बारे में शेयर करते हैं. मेरा नाम है सुमन, चलून शुरू करा जाए. इस बॉक्स में आपको एक स्मार्टफोन मिलता है, मेन डिवाइस, उसके साथ एक केस मिलता है और आपको कुछ यूजर डॉक्यूमेंट्स, कैप्सूल्स वगैरह, हेडफोन जो अभी नहीं मिलता है. अब आप पूछोगे कैप्सूल वगैरह मीन्स वो जो डेटा केबल मिलता है ना वो कैप्सूल ही कहता है, और एक 50 वाट का फास्ट चार्जर. तो अनबॉक्सिंग मैंने नहीं किया, आप तो जानते ही हो. जो मेरा मेन पॉइंट है वो है ये स्मार्टफोन. भाई काफी किलर डिवाइस है, काफी किलर डिवाइस है और बहुत सारे लोग इसके बारे में वीडियो तो बनाते हैं और वो कहते हैं कि भाई इसमें ये दिक्कत है, इसमें अपडेट में ये दिक्कत है. मुझे ऐसा नहीं लगा. अब ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है. 24,000 के करीब मुझे ये फोन मिल गया था. अब 25,000 के ऑफर में ये आया था. अब आपको फिर से भी ऑफर देखने को जरूर मिलेगा क्योंकि IQ का बहुत सारे स्मार्टफोन फिर से लॉन्च होने वाला है इंडिया में. 24,000 में क्या ये सही है आपके लिए? चलिए देखते हैं. तो पहले ये स्मार्टफोन में तीन कमियां मुझे लगा. एक तो इसका 60Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, यानी इस फोन में आपको ना 90Hz मिलता है ना 120Hz. ये एक आप कह सकते हो डीमेरिट है. दूसरा, स्मार्टफोन में आपको डुअल स्पीकर नहीं मिलता है, ये भी आप कॉन्स कह सकते हो इस स्मार्टफोन का. और तीसरा, इसका सर्विस सेंटर को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम है. तो चलिए, अब ये जो स्मार्टफोन है ये मैं कहूंगा 2021 में भी काफी किलर डिवाइस है. हाँ, जो मेरे पास है 8GB 128GB वाला वेरियंट, इसमें 5G नहीं मिलता है, 4G मिलता है. और मैं हर वक्त यही कहता हूं, अगर आपको 4G डिवाइस काफी मॉन्स्टर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस वाला मिलता है तो वो बेटर है कंपेयर टू 5G, क्योंकि 5G अभी बहुत दूर है, जैसे दिल्ली अभी बहुत दूर है. दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को पुश करके ऑल कर दो. तो इस स्मार्टफोन का जो मुझे खासियत लगा वो उसका परफॉर्मेंस. भाई 865 इस प्राइस रेंज में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का आपको मिल रहा है, 7nm टेक्नोलॉजी वाला, और इसमें एड्रीनो 650 GPU भी मिलता है. अब इसका परफॉर्मेंस में क्या कहूं, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप और LPDDR5 RAM टाइप, तो इसका किलर जो कॉम्बिनेशन है ना वो आपको काफी अच्छा देता है और गेमिंग में काफी मजा आता है, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह, क्योंकि इसमें यह ट्रिगर भी दिया है जिसके लिए आपको परफॉर्मेंस काफी बेहतर मिलने वाला है. जो गेमर्स हैं उसके लिए इस प्राइस रेंज में काफी बढ़िया. और इस स्मार्टफोन में आप डे टू डे यूसेज यूज कर सकते हो, मल्टीटास्किंग काफी अच्छा होता है, और जो वीडियो को एडिट करते हो तो उसके लिए तो ये वरदान है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट करते हो, रेंडरिंग करते हो तो काफी स्मूथ है. तो परफॉर्मेंस भैया काफी अच्छा है. अब इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी फास्ट, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है. और इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ फेस अनलॉक, भाई देखो, और ये लॉक स्क्रीन को नहीं आने देता है, डायरेक्ट अनलॉक, तो काफी बढ़िया. और स्मार्टफोन में आपको सभी फीचर्स मिलता है, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाएगा, स्क्रीन शॉट मिल जाएगा, और साथ में आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स, और यहां पे आपको डार्क मोड भी देखने को मिलता है जो काफी बढ़िया है. अब कैरियर एग्रीगेशन भी इसमें आपको मिलता है, 4G प्लस मुझे मिलता है, वाईफाई कॉलिंग दिया गया है, और कॉल क्वालिटी, नेटवर्क रिसेप्शन और नेटवर्क का जो स्ट्रेंथ, तो वाईफाई काफी बढ़िया, कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये प्रीमियम काइंड ऑफ फोन है. डिस्प्ले से आप निराश नहीं होंगे. हाँ, 60Hz है पर उसके अलावा सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि स्मार्टफोन में आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो 6.44 इंचेस का एकदम इन हैंड फील आपको देगा, और साथ में सुपर एमोलेड डिस्प्ले, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, और 800 nits मैक्स ब्राइटनेस, स्कॉट सेंसेशन का प्रोटेक्शन, यानी वीवो का खुद का, और प्री अप्लाइड आपको एक प्रोटेक्टिव फिल्म भी मिलता है. तो इसका बेजल्स काफी कम है,
और एक छोटा सा पंच होल जो आपको नजर में नहीं आएगा, और यहां पे आपको फुल डिस्प्ले वाला जो एहसास वो मिलने वाला है। जब आप मल्टीमीडिया को इंजॉय करते हो, गेमिंग करते हो, इसमें आपको ये काफ़ी सहायता करता है। तो इंडोर या आउटडोर में विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया, और मैं यही कहूँगा इसका डिस्प्ले का क्वालिटी सीरियसली काफ़ी बेहतर है। बिल्ड क्वालिटी से मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ, क्योंकि पीछे में आपको गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन है, साइड में मेटल फ्रेम दिया गया है, 3.5 mm जैक है जो काफ़ी सारे ब्रांड स्किप करता है, आपको यहाँ पे हर एक सेंसर मिलता है और मेटल फ्रेम तो काफी बढ़िया। और ये 240 ग्राम्स के आसपास है, हेवी वेट है क्योंकि इसका बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है। तो ये बिल्ड क्वालिटी आपको काफी अच्छा देगा, और जब आप इनहैंड फील देखोगे तो ये काफी बढ़िया है। तो बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफी बढ़िया लगा। फोन हीट नहीं होता है, शायद इसमें कूलिंग फूलिंग वगैरह दिया गया है ब्रांड की तरफ से। अब इस फोन में आपको जो नहीं मिलता है वो है एक SD कार्ड का ऑप्शन, यानी आप दो सिम यूज कर सकते हो। अब इस फोन का और एक खासियत, जो UFS 3.1 स्टोरेज टाइप LPDDR5 जिसमें आपको परफॉर्मेंस किलर मिलेगा, और इसका साउंड क्वालिटी, तो इस पे डुअल स्पीकर नहीं है, मोनो स्पीकर, और इसका क्वालिटी तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, पर जितना डुअल स्पीकर से जो एक्सटीरियर साउंड मिलता है वो नहीं मिलेगा, पर जब रिंगटोन वगैरह होता है ना तब कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो 3.5 mm जैक से जो साउंड क्वालिटी है ना, हाईरेस ऑडियो का चिप इसमें है, तो क्वालिटी आपको नेक्स्ट लेवल का मिल जाएगा, तो काफ़ी बढ़िया। और यहाँ पे थोड़ा सा IQ वालों ने दिमाग लगाया, और कैप्सूल टाइप आपको डेटा केबल मिलता है या चार्जिंग केबल, जिसमें आपको गेमिंग करने के समय कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और एल सेप में आपको हेडफोन भी मिलता है, और हाँ इसमें हेडफोन मिलता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस फोन में जो कैमरा मिलता है वो 16 megapixel का सेल्फी कैमरा, और मैं इंडोर में हूँ और क्वालिटी काफ़ी बढ़िया आ रहा है। और पीछे में आपको 48 megapixel का सोनी IMX582 सेंसर वाला एक कैमरा मिलता है, साथ में एक 13 megapixel अल्ट्रा वाइड एंड मैक्रो यानी टेलीफोटो लेंस, और 2 megapixel का डेप्थ। तो भैया पिक्चर काफ़ी बढ़िया है, और इसका एक फीचर्स मुझे अच्छा लगा, आई फोकस, हर वक्त ये फोकस में रहता है और ये आउट ऑफ फोकस नहीं होने देता है। तो अल्ट्रा वाइड और मैक्रो, या जो 13 megapixel का अल्ट्रा वाइड वही मैक्रो के हिसाब से काम करता है, और साथ में यहाँ पे आपको टेलीफोटो लेंस का पोर्ट्रेट मोड काफ़ी बढ़िया मिलता है, तो मैं इम्प्रेस हूँ। और इस प्राइस रेंज में साथ में यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, यासमी है, तो काफ़ी बढ़िया। और आप GCam भी यूज़ कर सकते हो। अब इसका सर्विस सेंटर, भाई काफ़ी झोल है इसके सर्विस सेंटर को लेकर। मैंने सर्विस सेंटर में कॉल किया और देखा कि 14 से 15 इसका सर्विस सेंटर है, मेरे एरिया पे तो नहीं है, हाँ बाहर कुछ जगह मुझे मिला पर एक। और वीवो का कहना है, भाई वीवो के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, पर ये वीवो का सब ब्रांड है। तो आपको डोर स्टेप सर्विस मिल जाएगा, यानी आपके घर में आके ये ले जाएगा बंदा और सर्विस देके आपको दे देगा, तो दिक्कत उतना नहीं है। इसका UI, बहुत सारे लोग इसमें कह रहे हैं कि इसका UI उतना अच्छा नहीं है, एंड्रॉयड 11 के बाद ये थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है, थोड़ा सा लैगिनेस है, बैटरी डेन है। नो, एंड्रॉयड 11 के बाद काफ़ी अच्छा है, मेरे साथ इसका एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर लगा। हाँ UI उतना अच्छा नहीं है, पर यह भी सच है आपको UI काफ़ी पसंद में आएगा, क्योंकि ये फ्रंट टच OS में ही बेस्ट हैं, और यहाँ पे सब कुछ फीचर्स मिलेगा, और मुझे कुछ इशू नहीं मिला। अब इसमें बैटरी 4400 mAh के आसपास बैटरी है, और अगर आप हेवी यूज़र हो तो आपको एक दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा, एट द एंड ऑफ द डे आपको चार्ज करना होगा। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो डेढ़ दिन का बैटरी बैकअप भाई कहीं नहीं जाने वाला है, काफ़ी बढ़िया है इसका परफॉर्मेंस। पे मॉन्स्टर टच बटन मिलता है जो भाई काफ़ी बढ़िया से काम करता है, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। इस फोन में हर एक सेंसर मिलता है, और आपको मेजर अपडेट भी मिल जाएगा। तो ये था कुछ कुल मिला के भाई इसका एक छोटा सा रिव्यू 2021 में। तो भाई हाँ, आप ले सकते हो,
IQ का जो IQ3, और ये काफ़ी बढ़िया डिवाइस है अगर आपको ये ऑफर में 24,000 या 25,000 में मिलता है, और ये मिल भी जाएगा तो ये आप ले सकते हो फॉर गेमिंग, फॉर हेवी यूजर्स एंड फॉर मीडियम यूजर्स।